हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं संदीप कसालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। बाइडेन ने क्रिप्टो करेंसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को किया पारित। बाइडेन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद क्रिप्टो करेंसी में आया उछाल। एसईसी ने बार्क्सडेल सिब्लिंग्स पर 124 मिलियन डॉलर्स क्रिप्टो स्कैम का लगाया आरोप। यूक्रेन को लेकर यूरोपियन यूनियन ने रशिया बेलारूस पर प्रतिबंध कड़े करने को लेकर जताई सहमति। सीएफटीसी ने 44 मिलियन डॉलर्स बिटकॉइन पोंजी स्कीम के ऑपरेटरों के खिलाफ आरोप किए दायर। प्रवास स्टारर टीम राधे श्याम ने जारी किए अनोखे एनएफटी कलेक्टिबल्स। रेड बुल ने एनएफटीज मेटावर्स में एंटर करने के लिए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को किया फाइल। केक डिफाई ने लॉन्च किया 100 मिलियन डॉलर्स का वेंचर फंड। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बुधवार को क्रिप्टो करेंसी की सरकारी निगरानी के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है। आपको बता दें कि यह ऐसा पहला ऑर्डर है जो फेडरल एजेंसी से इस सेक्टर के लिए अपने अप्रोच को कोऑर्डिनेट करने का आग्रह करता है। ऑर्डर के साथ एक फैक्टशीट के अनुसार क्रिप्टो इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इलिसिट यूजेस, ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर में लीडरशिप, फाइनेंशियल इंक्लूजन और रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन पर केंद्रित है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्रिप्टो करेंसी की जबरदस्त लोकप्रियता को डिजिटल एसेट्स के रिस्क और बेनिफिट्स की जांच करने के अवसर के रूप में देखता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बाइडेन ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी पर क्रिप्टो करेंसी के प्रभाव पर स्टडी करने के लिए ट्रेजरी डिपार्टमेंट और दूसरे फेडरल एजेंसीज को भी निर्देश दिए हैं। हालांकि आदेश ने क्रिप्टो करेंसी कंपनीज के लिए किसी भी नए नियमों का पालन करने की अभी तक घोषणा नहीं की है। रफली 40 मिलियन अमेरिकन या कुल अमेरिकी पॉपुलेशन के 60% ने रिपोर्टेडली क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है या फिर ट्रेड कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की लॉन्ग अवेटेड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में पहले जारी किए गए आदेश से अलग नहीं था। इस तरह से क्रिप्टोकरेंसी ने बुधवार देर शाम इंडियन ट्रेड्स में अपनी बढ़त बनाए रखी। इस आदेश को क्रिप्टोकरेंसी और इसकी अलाइन टेक्नोलॉजी के लिए सहायक रूप में देखा गया था, जिसमें यूएस इनोवेशन का समर्थन करके तेजी से बढ़ते स्पेस में अपने टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को बनाए रखना चाहता था। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन की कमेंट्स के साथ बाइडेन ने ऑर्डर को समय से पहले जारी किए जाने के बाद बुधवार की सुबह क्रिप्टोकरेंसी में शुरुआती रैली शुरू हुई। येलेन का बयान और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जल्द ही अनपब्लिश हो गया था। इन सबके बीच पिछले 24 घंटों में 7% से ज्यादा बढ़ोतरी के साथ बिटकॉइन 41,910 डॉलर पर था। वही दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी इथेर ने इसी समय के दौरान 5% की उछाल के साथ 2,721 डॉलर पर कारोबार किया। वही दूसरी ओर टेरा के लूना ने लगभग 20% की जंप के साथ अल्टरनेटिव कॉइन्स में बढ़त हासिल की, जबकि प्राइवेसी कॉइन मोनेरो का XMR 16% से अधिक उछला। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने सिबलिंग्स जॉन अल्बर्ट बार्क्सडेल और सिस्टर जोनाटीना बार्क्सडेल पर फेडरल सिक्योरिटीज लॉस का उल्लंघन करने और कम से कम 12,000 रिटेल इन्वेस्टर्स को 124 मिलियन डॉलर से ज्यादा को धोखा देने का आरोप लगाया है। SEC के कंप्लेंट के अनुसार जून 2017 से जॉन और जोनाटीना बार्क्सडेल क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टर्स को ऑर्मियस कॉइन नाम के एक डिजिटल टोकन की पेशकश और बिक्री कर रहे हैं। SEC की कंप्लेंट में कहा गया है कि बार्क्सडेल्स ने ऑर्मियस कॉइन की क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग एसेट्स के साइज, वैल्यू और परपेट्रेट प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में झूठ बोला था। इसके साथ ही कंप्लेंट में यह भी आरोप लगाया गया है कि बार्क्सडेल्स ने ऑर्मियस कॉइन की कीमत में हेराफेरी किया और पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए लाखों डॉलर के इन्वेस्टर्स फंड का दुरुपयोग किया। ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ ने जॉन को एब्रॉड में गिरफ्तार किया और उस पर वायर फ्रॉड, सिक्योरिटीज फ्रॉड और कंस्पिरेसी का आरोप लगाया है। यूरोपियन यूनियन EU ने रशियन ओलिगार्च और ऑफिशियल्स को अपने सैंक्शंस ब्लैकलिस्ट में शामिल करने, क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर्स पर नियमों को कड़ा करने और यूक्रेन के रशियन इन्वेजन पर मैरीटाइम सेक्टर को टारगेट करने पर सहमति व्यक्त की है। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन में क्रेमलिन के वॉर के लिए मिंस्क के समर्थन पर ग्लोबल स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से
3 बेलारूसियन बैंक्स को कट करने पर भी सहमति जताई थी। ऐसे में लेटेस्ट सैंक्शंस की पूरी जानकारी से जल्द ही पर्दा उठाया जाएगा जब वे औपचारिक रूप से यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल जर्नल में प्रकाशित होंगे। यूरोपियन यूनियन क्रेमलिन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और अधिकारियों का कहना है कि अगर वो युद्ध समाप्त नहीं करता है तो वे मॉस्को पर और प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने अब तक रशिया से एनर्जी पर मेंबर स्टेट्स की रिलायंस को देखते हुए रशिया के की ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स को लक्षित करने से इनकार कर दिया है। यूएस फेडरल एजेंसी ने 2 क्रिप्टो पोंजी स्कीम्स के ऑपरेशन में इन्वॉल्व 4 इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट सिविल इन्फोर्समेंट एक्शन दायर की है जिन्होंने कलेक्टिवली $44 मिलियन के बिटकॉइन के इन्वेस्टर्स को धोखा दिया है। कॉमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन या CFTC ने ड्वेन गोल्डन, मार्क्विस एगर्टन, ग्रेगोरी एगसन और इंडियन सिटीजन जतिन पटेल पर योजना में उनकी भूमिका के लिए धोखा देने का आरोप लगाया है। ऐसे में वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आपराधिक आरोपों में जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा न्यूयॉर्क में एक फेडरल कोर्ट में उन्हीं 3 US डिफेंडेंट्स को अलग अलग आरोपित किया गया था। गोल्डन, पटेल और इगर्टन ने ई कॉइन प्लस या एम्पावर कॉइन को एलिजली ऑपरेट किया, एक पोंजी स्कीम जिसने बिटकॉइन में $23 मिलियन से ज्यादा कलेक्ट किया, लगभग $10 मिलियन से जिसमें से उन्होंने गलत तरीके से अपने लिए रखा। इन्वेस्टर्स को बताया गया था कि उनका पैसा प्रोफेशनल ट्रेडर्स द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा और इन्वेस्ट के कम से कम 2% से 5% के डेली पेमेंट्स पर अर्जित करते हुए 50 से 90 डेज में मूल्यों में 2 गुना हो जाएगा। मेगास्टार प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर मैग्नम ओपस राधेश्याम के मेकर्स ने पिछले दिनों मेटावर्स की दुनिया में फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च करने के बाद अब NFT लॉन्च कर फिल्म से जुड़े उत्साह को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। ऐसे में दुनिया भर के मौजूद फैंस 8 मार्च 2022 को लॉन्च हो चुके NFTs के चयनशील और बेहद लिमिटेड कलेक्शन को अपना बना सकते हैं। इस कलेक्शन में प्रभास के कुछ अंधे की तस्वीरों के साथ डिजिटल ऑटोग्राफ, फिल्म से 3D एनिमेटेड डिजिटल आर्ट और फिल्म से चलाई गई शानदार कार में प्रभास के अलावा खास एनिमेटेड एसेट्स शामिल है। इतना ही नहीं, टॉप 100 राधेश्याम NFT कलेक्टर को लाइफ में एक बार खुद सुपरस्टार से मिलने और उनसे बात करने का मौका मिलेगा। हालांकि इसे NGHN प्लेटफॉर्म पर सेल के लिए लाइव कर दिया गया है। इसके अलावा राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित ये मच अवेटेड फिल्म इस 11 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। एनर्जी ड्रिंक ब्रांड रेडबुल ने मेटावर्स में एंट्री करने और नॉन फंजिबल टोकन NFTs को अपनाने के लिए इरादों को व्यक्त करते हुए एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया है। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के अनुसार कंपनी का एम वर्चुअल गुड्स जैसे क्लोथिंग, फुटवेयर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स, बेवरेजेस, रेफ्रिजरेटर्स और ऑनलाइन वर्चुअल दुनिया में इस्तेमाल किए बहुत कुछ प्रोवाइड करना है। कंपनी वर्चुअल इन्वायरमेंट के जरिए से यूजर्स को लाइव कॉन्सर्ट्स, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स या दूसरे एंटरटेनमेंट इवेंट्स में भाग लेने का अवसर प्रदान करने की भी योजना बना रही है। मेटावर्स में एंटर करने वाले रेडबुल फैंस के पास गुड्स और सर्विसेज की खरीद के लिए रेडबुल क्रिप्टो तक पहुंच हो सकती है। केक डिफाई, जो कि एक सिंगापुर स्थित फिनटेक प्लेटफॉर्म है, उसने बुधवार को एक नया कॉरपोरेट वेंचर आर्म लॉन्च किया है जो Web3, गेमिंग और फिनटेक फर्मों के विकास में तेजी लाने का उद्देश्य से नए फंडिंग में $100 मिलियन से एक्सेलरेट हुआ है। प्लेटफॉर्म ने एक रिलीज में कहा कि केक डिफाई वेंचर्स CDV दुनिया भर के स्टार्टअप्स में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के अवसरों की तलाश करेगा। आपको बता दें कि फंड का नेतृत्व केक डिफाई के कोफाउंडर्स जूलियन हॉस्प और यूजिन चुआ करेंगे। साथ ही फंड ने द एज ऑफ कंपनी नाम के एक मीडिया, इवेंट्स और टेक वेंचर में अपना पहला निवेश पहले ही कर लिया है और इसने सौदे की शर्तों का खुलासा अभी तक नहीं किया है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो TV के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।